हाय फ्रेंड्स, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से अभी हम जानेंगे होमोनिम्स का क्या मतलब होता है। होमोनिम्स का मतलब होता है समानाम या होमोनाम। जो जो वर्ड सुनने में एक जैसा ही लगता है उसको समानाम या होमोनिम बोला जाता है। ये ऐसे शब्द हैं जिनके वर्तनी और उच्चारण समान आते हैं किंतु उनके भिन्न भिन्न अर्थ होता है, उनको ही समानाम या होमोनिम्स बोलते हैं। चलिए दो एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं। नो एंड नो आर होमोनिम्स। नो एंड नो आर होमोनिम्स। नहीं और पता होमोनिम है या समानाम है। फ्रेंड्स, आप नोटिस कर सकते हैं एन ओ नो का मतलब नहीं और के एन ओ डब्ल्यू नो का मतलब जानना या पता होना। ये दोनों का अर्थ अलग अलग है लेकिन इसका जो उच्चारण होता है वो एक जैसा होता है, तो ये दोनों एक दूसरे का समानाम है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं। राइट एंड राइट आर होमोनिम्स। राइट एंड राइट आर होमोनिम्स। डब्ल्यू आर आई टी ई राइट का मतलब लिखना और आर आई जी एस टी राइट का मतलब सही। ये दोनों एक दूसरे का होमोनिम्स है, लिखे और सही होमोनिम्स है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ होमोनिम्स का मतलब आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप आसान तरीके से इंग्लिश में बात करना सीखना चाहते हैं या फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसा हज़ारों इंग्लिश वर्ड का मतलब हिंदी में जानने के लिए हमारे इस चैनल के होम पेज पर जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।